भारतमाता का अस्तित्व इतना भी कमजोर नहीं है कि एक व्यक्ति के कहने से लोकतंत्र और संविधान अपमानित हो जाएगा। इतना जवाब दीजिए। यहाँ पे अस्तित्व कमजोर की बात नहीं है, किसी एक व्यक्ति के अहंकार की बात है जो अपने को देश से ऊपर रखना चाहता है, ये यहाँ पर मुद्दे की बात है। और मैं कह दूं, उन्होंने थोड़ा आपत्ति की थी, वो शायद अब युवा पीढ़ी को तो नहीं याद होगा, इन्होंने कहा जब मैंने साहिबे आलम बोला तो उन्होंने कहा गलत बोलना है, गलत बोला, पूरा क्या बोलना चाहिए, बाद अब्बा मुलायजा होशियार साहिबे आलम फरहंद अंजुमन वली अहद सल्तनत। अब जिसके साथ इतने इतने टाइटल लगे होते हैं तो कहां माफी अफी मांगे। सर मेरा सवाल आप दोनों से, पक्ष और विपक्ष दोनों से, सर आप इस मुद्दे से बात हटा के आप देश के बारे में अगर सोचे तो देश काफी आगे बढ़ सकता है। ठीक, जवाब दीजिए आप दोनों, आप शुरू कीजिए, आप सत्ता पक्ष है, आपकी जवाब देंगे। हाँ, इसीलिए हमारे मतलब खत्म कीजिए ना सर, अगर कोई अपराध हो गया है तो उसकी सजा दीजिए, काम धाम तो शुरू कीजिए। काम करना क्या होता है, हम लोग कल्पना नहीं कर सकते कि 2 मिनट की नौकरी करके निकल जाए। प्रधानमंत्री जी ने प्रधानमंत्री होते हुए एक दिन की छुट्टी नहीं ली है, और यहाँ विपक्ष का नेता ना होते हुए 2 करोड़ नौकरी नहीं मिली, इसलिए 5 करोड़ नहीं हुई। हमारा हम देश चीन के सामने लाल आंख नहीं दिखाई, टन पे बोलिए, हम अपनी समस्याओं का समाधान जानते कर रहे, कैसे कर रहे मोदी जी, तन समर्पित मन समर्पित और यह जीवन समर्पित, चाइना समर्पित प्रश्न अर्पित आयु का क्षण क्षण समर्पित, चाहता हूं देश की धरती तुझे कुछ और भी। प्रियंका जी, मुझे मुझे हैरानी इस बात की है जो यहाँ पे युवा हैं वो सब यही पूछ रहे हैं कि संसद क्यों नहीं चल रहा है, और ये प्रश्न मैं भी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट होकर पूछ रही हूँ कि संसद क्यों नहीं चल रहा है। क्या एक इंसान की बातें जो वो भारत जोड़ो यात्रा के बारे में बता रहे थे, आज मुझे आप बताएं कि अगर अमेरिकन कोई आकर इंडिया में अमेरिकन सेनेटर आकर बात करते हैं तो क्या अमेरिका में जाकर उनकी यह हालत होगी कि आपने देश को कमजोर कर दिया, अमेरिका को कमजोर कर दिया। मेरा बस कहना यह है कि वो अपनी अपना विजन बता रहे हैं, पर आप जो हमारे देश का विजन है उसको क्यों भूले जा रहे हैं। और हमारा देश का विजन, हमारे प्रधानमंत्री जी कहते हैं किसानों की तरक्की, महिलाओं की सुरक्षा, युवाओं को रोजगार, इन किसी मुद्दे पे भारतीय जनता पार्टी चर्चा कर रही है, आप में आपने किसी ने सुना है? नहीं सुना है ना, और ये इसी बात की मुझे भी दिक्कत है। इस विषय पे चर्चा के लिए प्रस्ताव ला रही है, मैं हर चीज पे प्रस्ताव ले रहा हूं भाई साहब, अगर अगर रोहन जी ने एक बहुत अच्छा सवाल किया, आप ये ला रही हैं संसद में चर्चा करने के लिए, अगर ये सेकंड सिग्नेटरी बनने को तैयार हो जाए कि मैं ये प्रपोजल लाऊं, एक सेकंड मेंबर ऑफ पार्लियामेंट ये भी है, राज्यसभा में मैं भी हूं, ये भी है। हाँ नहीं नहीं एक सेकंड, मैं बस कहना चाहती हूँ क्योंकि आप इंटरप्ट ठीक करने के लिए हाथ उठा रहे होंगे, तो मैं ये प्रस्ताव लाने को तैयार हूं, आप उसको साइन करने को तैयार हैं? इस बात के लिए मैं बच्चों से कहूंगी प्लीज इसका मजाक ना बनाए, बिल्कुल ये एक सीरियस टॉपिक है, अगर ये चाह रहे हैं विषय इस पे डिस्कशन हो, इन्होंने मुझे कहा प्रस्ताव लाइए, मैं अपने लेटर हेड पे लाने को तैयार हूँ, आप लोग सब मेरे साथ सहमत हैं या नहीं है? युवाओं के बारे में बात हो, महिलाओं के बारे में बात हो, देश के बारे में बात हो, आप लोग सब सहमत हैं तो आप इनसे कहिए कि इसके ब्लैंक पेपर पे नहीं साइन करें भाई साहब। प्रियंका जी प्रस्ताव कर टेलीविजन पे इनके सामने लाइए, आप साइन कर दीजिए। राहुल गांधी की माफी के मांगने से पहले एक दिखाइए कहां आप लोगों ने प्रस्ताव दिया था संसद में। अरे अभी बताइए, अब बचाव कर रहे हैं भाई, अब बचे कीजिए, तब तो मुझे ईडी पकड़ने ले रही है, मुझे सीबीआई पकड़ने ले रही है, आप बताइए ना, संसद तो चलने दीजिए, आप क्या आप साइन कर दीजिए, हम जवाब दे रहे हैं एक एक करके। देखिए समस्या क्या है, क्या इन्होंने राहुल गांधी के विषय आने से पहले, चाहे प्रियंका जी हो या रोहन जी हो, क्या दिया था कभी प्रस्ताव कि हम इस पर चर्चा करना चाहते हैं तथाकथित समस्याओं के ऊपर, अर्थव्यवस्था पे, बेरोजगारी पे, महंगाई पे करना चाहते हैं क्या? दिखाइए कहीं दिखाया हो, अब नहीं बताइए कहां दिखाया था, केवल अपने अपने भ्रष्टाचार को बचाने के लिए आप ये करना चाहते हैं, केवल ये इनके भ्रम को खत्म कर दूं। मैंने 0R पे ये मुद्दा उठाने की कोशिश की थी, पर 0R ही नहीं होने दे रहे हैं तो कैसे उठाऊं, इसीलिए मैं इनका समर्थन मांग रही हूं अपने विप से उठकर। जीरो आपकी से पार्टी ही शुरुआत करनी है, आपकी पार्टी ने था, चलिए मैं 0 से शुरू करने को तैयार हूं भाई साहब, आप 0 से ऊपर उठने को तैयार हैं, अपने तो विप से ऊपर उठने को तैयार हैं, साइन करने को तैयार हैं, तो आप क्या, मैं उम्मीद करती हूँ रिटर्न में ना देना पड़े तो कहा मैंने 0R में उठाया था, तो किसमें खाली कागज पे साइन मैं एज अ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट आई एम श्योर आपने भी सिविक्स पढ़ी, आपने भी साथ किया, मुझे ये जानना है कि सर राहुल गांधी अगर प्रधानमंत्री बनते हैं तो वो हमारी जन सेवाएं क्या उपलब्ध करवाते हैं, क्योंकि जब ये भारत जोड़ो यात्रा हुई थी उसमें अंतिम पड़ाव जो लाल किला पे हुआ था उन्होंने वहां पे ये कहा था
मीडिया लोग से या सब लोगों से कि मैं कौन हूँ, मैं राहुल गांधी नहीं हूँ, आप जो देख रहे हैं मैं वो नहीं हूँ, तो वो कौन है? जब वो यही नहीं जानते कि मैं राहुल गांधी हूँ या नहीं हूँ, वो इंसान या वो व्यक्ति प्रधानमंत्री बनने के बाद जन सेवाएं उपलब्ध करवा सकते हैं या नहीं करवा सकते? एक और अच्छा आपने सवाल, ठंड है नहीं, आप ठंड से डर रहे हैं। अरे वो तो प्रधानमंत्री जी ने भी कहा था कि जैसे जैसे उम्र बढ़ती है ठंड ज्यादा लगने लगती है, क्लाइमेट चेंज नहीं हुआ है, आपका दिमाग चेंज हो गया है उम्र की वजह से। इन्होंने जो सवाल पूछा मैं उसका जवाब, ऐसे तो बहुत वीडियो निकलेंगे ड्रोन में से बादल दिखेगा, ये होगा तो छोड़ दीजिए, मजाक मत करिए। आपको आपके प्रधानमंत्री ने कहा ड्रोन में से कि बादल के ऊपर जो रडार था तो बादल के कारण मन देख नहीं पाई, आपके प्रधानमंत्री ड्रोन नहीं था उसमें भाई, तो ड्रोन का भी दिया है स्टेटमेंट, अब रडार से ड्रोन पे आ गया, आप यही करते हैं। चार प्रश्न और ले रहे हैं जल्दी से भैया, ड्रोन आया ही सन 2000 में, पुराने जमाने में ड्रोन ले आए। अभी जो सवाल पूछा उसका मैं जाऊँ, उन्होंने कहा कि मैं राहुल गांधी, उन्होंने क्यों कहा? जब आदमी 3000 किलोमीटर वो चले, जो अहंकार होता है, उन्होंने ये बात दिल से कही कि आज एक व्यक्ति होता है, नेता होता है, जब 3000 किलोमीटर आप देश की जनता के हर तबके पे जाते हैं और लोगों को मिलते हैं, आपका अहंकार चला जाए तो देश की हकीकत आपको मालूम चलती है। दूसरी चीज, आपने कहा क्या काम करेंगे, राजस्थान और हमारी छत्तीसगढ़ सरकार जो भी नीतियां हैं, आप इंग्लिश स्कूल्स की हम बात करें, क्वालिटी एजुकेशन की बात करें, ओल्ड पेंशन स्कीम की हम बात करें, हम लोग जितने भी जो हमने प्रॉमिसेस किए थे, आज इन्होंने अभी कहा था कि गैस के सिलेंडर की बात कर रहे हैं, राजस्थान सरकार ने प्रॉमिस किया कि 500 रुपए में गैस का, क्या इनकी हिम्मत है? ये लोग क्या करेंगे? अरे भाई साहब G20 में देखिए महंगाई सबसे ज्यादा हमारे वहां सबसे कम है, ये तो इनका तुक है। जब भी इनको आप सवाल पूछेंगे इसका जो चार उंगली है दूसरे के ऊपर डाल देंगे।